नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप्सी की दुनिया में। कैसे हो आप सब? तो आज हम बनाएंगे ब्यूटीफुल सी आर्ट होम डेकोर के लिए। तो वॉल पुट्टी, कार्डबोर्ड, मिरर और कलर का तो योगदान होता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने वॉल पुट्टी ले ली है और इसमें ग्लू डाल लिया है। थोड़ा पानी डाल के एक पेस्ट अच्छा सा बना लेंगे। तो इसी तरह से मिक्स कर लें अच्छे से। चम्मच ले सकते हैं आप या उंगलियों से ही कर सकते हैं। ये देखिए कार्डबोर्ड का पीस लिया मैंने। ये केक बेस है, आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। ये मास्किंग टेप ले लिया, तो इनकी साइडों पर लगा देंगे, चारों तरफ लगा लेंगे। ये देखिए लगा लिया, तो इसी तरह से लगा लेंगे। देखिए दोनों तरफ, तो ये देखिए पेस्ट इस तरह से बन गया ना। बस इसको फिंगर पे लगाना है और इस पीस पे इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से लग रहा है ना। तो बस फिंगर से ही लगाना है, इस तरह से, फिंगर टिप्स की हेल्प से इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से दोनों तरफ लगा लेंगे। पहले एक तरफ लगा लें पूरे पे, सूख जाने के बाद दूसरी तरफ लगा लें इसी तरह से। देखिए ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। और ये देखिए मैंने डिजाइन बना ली। पहले इसके चार भाग कर लिए मैंने बराबर बराबर, उसके बाद इस तरह से डिजाइन बनाई है। ये देखिए अब वाइट कलर करेंगे इसके ऊपर से। ये वाइट कलर कर लिया है, अब ग्रीन कलर करते हैं। ये देखिए तो इसी तरह से कर लेंगे। इसी तरह से पूरे पे कर लेंगे। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं अभी से ही। और ये मैंने लिया है गोल्डन मेटालिक कलर और ये रेड कलर में मिक्स कर लिया, एक अच्छा सा कलर बन गया। ये देखिए रेड मेटालिक कलर बन गया, एकदम शाइनी शाइनी। तो इसी तरह से कर लेंगे। और ये देखिए एकदम आसानी से हो गए ना। तो इसी तरह से सभी पे कर लेंगे कलर। बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है ये। तो ये देखिए फ्लावर बनके तैयार हो गया, कितना सुंदर। इसी तरह से सभी पे कर लेंगे, फ्लावर बना लेंगे। और ये देखिए फ्लावर बना लिए हैं, अब ग्लू लगाएंगे इस तरह से, मिरर वर्क करेंगे। तो इसी तरह से मिरर लगा लेंगे। फ्लावर की जितनी ये किनारी होती ना, इसी पर मिरर लगा लेंगे सभी पर, इस तरह से डिजाइन बना लेंगे। तो अब हम बनाएंगे कॉर्न। तो एक इस तरह से पैकेट ले लिया, दही का या दूध का इस तरह से पैकेट ले लें खाली, और क्लीन कर लें अच्छे से। उसके बाद इस चौकोर काट करके दो पीस कर लें इस तरह से, त्रिकोण है। और ये ध्यान से देखिए इस तरह से बनानी है, और इस तरह से घुमाकर टेप लगा लेंगे इस तरह से अंदर की तरफ। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, वो चौकोर पीस कट करके बताई थी, ये तिकोना पीस कट करके बता रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर भी टेप लगा लेंगे और हमारी कॉर्न बनके तैयार हो गई। ये देखिए
और जो भी पेस्ट बनाएंगे वो उसमें भर लेंगे, फिर यूज़ करेंगे और इस तरह से बंद कर लेंगे। और यूज़ करेंगे तब आगे से कट कर लें। तो एक कटोरी ली है, बॉल पुट्टी ले लेंगे, बस पानी डालेंगे और इस तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही मिक्स करें, नहीं तो ज़्यादा पतला हो जाएगा। इस तरह से अच्छा सा पेस्ट बना लें, जैसे मेहंदी में पेस्ट निकलता है जब मेहंदी यूज़ करते हैं तभी, वैसे ही बना लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करेंगे और पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए बन गया, और कोन में भर लेंगे इस तरह से। बस इसको बंद कर लेंगे टेप लगा करके इस तरह से। और इस तरह से फिर से टेप लगा लेंगे जिससे जो पेस्ट है वो बाहर ना निकले। और कोन बन के तैयार हो गई है ये देखिए, और यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कलर वाली बनाना चाहें तो इसमें कलर मिला सकते हैं। इस तरह से मैं येलो कलर मिला रही हूँ। तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद कोन में भर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो गया। अब इसी तरह से कोन में भर लेंगे और बंद कर लेंगे। बस बन गई। अब डो बनाएंगे वॉल पुट्टी से। ये देखिए डो बन के तैयार हो गया है। अब डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरह से रस्सी की तरह इस तरह से लंबा लंबा कर लें और ग्लू लगा के इस तरह से चिपका लेंगे, पूरे पे चिपका लें। इस तरह थोड़ा फिंगर से दबा दें, और कोई भी पेन हो या मैं ब्रश की हेल्प से पीछे की साइड से इस तरह से दबा दबा के डिजाइन बना लिया है। और ये देखिए कॉन यूज़ कर रही हूँ, कितनी स्मूथ चल रही है। आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं इस तरह से कॉन बना करके। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप। वाह, चार चांद लग गए हैं फ्लावर में। तो इसी तरह से सारे बना लेंगे फूल। कौन हमेशा छोटी बनाए, बड़ी ना बनाए। छोटी बनाएंगे तो बहुत आसानी से अच्छे से चलती है और हम अच्छे से पकड़ सकते हैं, इस तरह से पकड़ के बना चला सकते हैं, और कोई भी डिजाइन आसानी से बना सकते हैं इस तरह से। ये मिरर लगाए हैं तो इसी की किनारी पर इस तरह से कोन की सहायता से इस तरह से बना लेंगे, जिससे कि ये और सुंदर लगने लगे इस तरह से। और इस तरह से फ्लावर में जो फ्लावर का सर्कल है इस तरह से बॉक्स बना लेंगे छोटे छोटे। तो इसी तरह से सारे बना लेंगे। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल को ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरा वीडियो देख सकें जल्दी से जल्दी, है ना। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है वॉल आर्ट, वॉल हैंगिंग। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।